राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम ने भोपाल में फैशन शो का आयोजन किया। फैशन डिजाइनर सब्यसाची की डिजाइन की गई ड्रेस फैशन शो का मुख्य आकर्षण रही। इसके अलावा कई नए पुराने डिजाइनर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया, जिसके डिजाइन किए हुए कपड़ों में मॉडल्स ने रैंप पर कैटवॉक किया। भोपाल में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर हथकरघा फैशन शो का आयोजन किया गया। आयोजन में भारत के शीर्ष फैशन डिजाइनरों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जब हम भारत भ्रमण पर जाते हैं तो हथकरघा की कलात्मक झांकियां देखने को मिलती हैं। रेशम हो या सूती का कपड़ा, इसके धागे धागे में अपनत्व का भाव होता है। उन्होंने कहा कि खादी के लिए अगले वर्ष हम और भी अच्छे कार्यक्रम करें, जिससे ये लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। मैं बधाई देना चाहता हूँ वर्ल्ड डिजाइन फोरम को। कहीं ना कहीं यदि हम आज़ादी के पहले जाएं, तो खादी और हथकरघा के संदर्भ में विचार करें तो ये भी एक स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक था। और हमारे देश में अभी जो बेटियों को यहाँ देख रहे थे, देवियों को यहाँ देख रहे थे, विभिन्न वेशभूषाओं में यहाँ पर थी। लेकिन यदि हम भारत भ्रमण पर निकलते हैं, किसी भी प्रांत पर जाते हैं, तो हर प्रकार की कलात्मक झांकी हमको देखने को मिलती है। मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने भी हथकरघा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आश्रम में अनुशासन पालन करने के लिए ये बात कही थी। और मेरा तो ये कहना है कि चाहे रेशम हो चाहे सूती कपड़ा हो, इसके धागे धागे में अपनत्व का भाव होता है। और वो अपनत्व का भाव यदि हम देखना चाहें तो हम खादी में, रेशम में, सूती में देख सकते हैं। 2015 में KVIC बनी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विनय कुमार सक्सेना जी सबसे पहले इसके प्रमुख बने थे, और बाद में फिर वो दिल्ली के उपराज्यपाल भी बने। उन्होंने इस खादी के लिए बहुत संघर्ष किया, और उनको मैं कह सकता हूँ कि उनको खादी पुरुष के नाम से जाना भी जाता है। मैं आप सबको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूँ एक सुंदर कार्यक्रम के लिए। और यहाँ मेरा भोपाल बैठा है, आप सब भोपाल को पूरे भोपाल के सभी देवियों और सज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और निश्चित ही अगले वर्ष आज की तारीख 7 अगस्त दोबारा आए तो खादी को लेकर और अच्छे कार्यक्रम करें, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए हम प्रेरणा के स्रोत बने। ये कार्यक्रम वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम की ओर से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भारत के शीर्ष फैशन डिजाइनर सब्यसाची, हरप्रीत और निशा कपिला के डिजाइन किए हुए कपड़ों को मॉडल्स ने रैंप पर कैटवॉक कर चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम के आयोजक वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के CEO अंकुश अनामी ने बताया कि ये आयोजन खास तौर पर पारंपरिक बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए और ऑर्गेनिक कपड़ों को लोगों तक पहुँचाने के लिए किया गया है। इस आयोजन पर दखल न्यूज के संपादक शैफाली गुप्ता ने अंकुश अनामी से खास बात की है। WDF वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के फाउंडर और CEO अंकुश जी हमारे साथ हैं। अंकुश जी ने आज ये जो फैशन शो आप लोगों ने देखा, इसको ऑर्गेनाइज किया था, वो ये चाहते थे कि सभी डिजाइनर्स जो हैं वो एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं। अंकुश जी, ठीक बोल रही हूँ मैं? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। और पिछले 6 सालों से इस चीज के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि डिज़ाइनर्स को हम इन चीज़ों के लिए मोटिवेट कर सकें, जिसमें वो एक अम्ब्रेला के नीचे आकर के अपने देश के किसी ब्रांड को डेवलप कर पाए। अभी मध्य प्रदेश में आपने ये शो ऑर्गेनाइज किया है, भोपाल में है, क्या भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश में कहीं और भी जाने का इरादा है? पहला शो है भोपाल में हमारा, और एक कंट्री का हार्ट कहते हैं, और कनेक्टिविटीज़ बहुत अच्छी थी, और बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, क्योंकि अभी रिसेंटली 2 जुलाई को गवर्नमेंट ऑफ UP के साथ आगरा में हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ था। तो सारे डिज़ाइनर्स की कन्वीनियंट को देखते हुए भोपाल सिटी को चूज़ किया गया। और मध्य प्रदेश को मुझे पर्सनली भी, मैं बहुत लाइक करता हूँ मध्य प्रदेश की चीज़ों को, और इसके पहले मैंने चंदेरी, महेश्वरी, इसके बारे में खाली सुना था, तो बहुत इच्छा थी देखने की कि ये वीविंग्स कैसे होती हैं, इनके गारमेंट्स कैसे बनते हैं। तो इस कारणों को सबको देखते हुए प्लान किया गया भोपाल में, मध्य प्रदेश में इसको प्लान करा। आपने बताया कि आपने चंदेरी, महेश्वरी, इन सबको देखा और देखने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए आप यहाँ आ गए। यहाँ मैंने ये देखा कि आपने जो जिन डिज़ाइनर्स को चांस दिया वो नोन्ड हैं, कुछ अननोन्ड हैं, कुछ बहुत नए हैं, तो आपको क्या लग रहा है इनमें कितनी पोटेंशियल है?
देखिए, पोटेंशियल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी देख करके जज कर ही नहीं सकते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि नेशनल डिज़ाइनर अवार्ड वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम हर साल ऑर्गेनाइज़ करती है और इंडिया का सबसे बड़ा डिज़ाइनर अवार्ड होता है। तो मैंने इस एक्सपीरियंस को भी देखा है कि वो लोग जो कहीं गांव के अंदर छुपे हुए हैं, निकिता करके एक लड़की थी, उत्तर प्रदेश के गांव देवरिया से थी, और उम्मीद नहीं थी कि वो नेशनल डिज़ाइनर अवार्ड को जीत जाएगी। तो ये क्रिएटिविटी, देखिए डिज़ाइनर जो है वो एक क्रिएटिव आदमी है और वो चीज़ों को सोचता है, और हर वो आदमी जो एक्चुअल में डिज़ाइन करता है गारमेंट्स को और चीज़ों से इंस्पायर होकर के, तो वो डिज़ाइनर है। और डिज़ाइनर एक लिमिटेड रिसोर्स है, आप किसी को देख के कॉपी करें तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जिस चीज़ को एक्चुअल में डिज़ाइन करते हैं उसको बनाना एक अलग चीज़ है। तो अभी सब चीज़ें आपके सामने थी और बहुत सारे गारमेंट्स आपने देखे यहाँ पर और जो पूरे भारत भर से आए हुए हैं, और मुझे लगता है कि सबने अपना बहुत खास महत्व दिया, बहुत खास प्रयास किया इसमें। चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि एम क्या है, टारगेट क्या है, यहाँ से क्या अचीव करके लेके जाने वाले हैं? देखिए, सिर्फ यहाँ से नहीं, पूरे वर्ल्ड से अचीव करना है, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम है। और जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे पेंटर हो, चाहे फैशन डिज़ाइनर हो, चाहे वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर हो, ये वो ऐसी शिक्षाएं हैं जो कहीं पर पढ़ाई नहीं जा सकती हैं। आप अगर पेंटर हैं तो आप बचपन से ही पेंटिंग करते हैं और ये एक गॉड गिफ्ट है। तो जिस चीज़ को ईश्वर ने तुलनात्मक रूप से बना करके आपको दिया है, अगर आप आइंस्टाइन की बात करें, आप न्यूटन की बात करें, तो उनको बाय बर्थ वो सारी चीज़ें दी गई थी। तो इसी तरीके से फैशन डिज़ाइनर जब वो इंस्पिरेशन ले करके डिज़ाइनर गारमेंट्स को डिज़ाइन करता है, तो मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड ही है। और वो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपकी प्रतिभा को सिखा सके, वो उसको बढ़ा ज़रूर सकता है लेकिन सिखा कभी नहीं सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज देश भर से लगभग 25,000 से ज़्यादा फैशन डिज़ाइनर इवन वर्ल्ड वाइड जो है वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम के साथ में एसोसिएटेड हैं, और ये सभी वो कलात्मक लोग हैं जो अपनी कलाकृति कपड़ों के ऊपर दिखाते चले आ रहे हैं। अच्छा, इसी पर मेरा एक सवाल और बन रहा है कि अभी हमने देखा आपके संग सब्यसाची सतपथी जी तो जुड़ चुके हैं, और भी क्या वेल नोन डिज़ाइनर्स हैं जो आपके साथ जुड़े हैं? रीना ढाका जी हैं, अंजू मोदी जी हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं। और देखिए, वेल नोन तो कहना, आज जो लोग नोन नहीं हैं, हो सकता है कि आने वाले एक साल दो साल के अंदर वो भी वेल नोन हो जाए। तो हमारा प्रयास तो यही है कि जो वेल नोन डिज़ाइनर हैं वो हमारे मेंटर हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और लेकिन उनके अंडर में जिन लोगों को, जिन डिज़ाइनर्स को तैयार किया जा रहा है, हमारा प्रयास यही है कि एक दिन वो भी वेल नोन हो। चलिए, अंकुश जी की बातें सुनकर ये ज़रूर महसूस हुआ है कि जो नोन डिज़ाइनर हैं वो मेंटोर बन जाएं और जो अननोन हैं वो नोन हो जाएं। शुभकामनाओं के साथ मैं शेफाली गुप्ता, कैमरा पर्सन सुनील व्यास के साथ रेडिसन भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।